देखिए, तैयार तो हम हमेशा इलेक्शन मोड में ही रहते हैं, क्योंकि हम जनहित के काम करते हैं। हमारा जो कमिटमेंट होता है वो धरातल पर उतरता है। जनसेवा के माध्यम से राजनीति का एक उत्कृष्ट उदाहरण आपको मिलेगा झारखंड में हेमंत सोरेन जी की सरकार में, तो उसके माध्यम से हम हमेशा इलेक्शन के लिए तैयार हैं। लेकिन कल इस आज इलेक्शन का घोषणा होना है और इसकी जानकारी कल ही भाजपा नेताओं को हो जाती है। बहुत गंभीर विषय है। क्या भाजपा नेताओं के इशारे पर आयोग काम करता है? हेमंता विश्व शर्मा जी का एक बाइट है, कल उन्होंने बोलते बोलते ये बोल दिया कि कल तो चुनाव की घोषणा हो जाएगी। बड़ा अजीब लगता है इस कदर किसी आयोग को कठपुतली बना के रखना। सब बातचीत हो रही है, सब तरह से तैयार है। ये बातचीत आपके मीडिया के सामने नहीं आई होगी। हमारी बातचीत के कई पहलू हैं, कई माध्यम हैं। हाँ, एक औपचारिक बैठक होगी जो आप लोगों के द्वारा भी कवरेज लिया जाएगा और आप लोगों को जानकारी में भी होगी, और उस बैठक के बाद सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। लेकिन एक खाका तैयार है, किसे कहाँ लड़ना है मोटा मोटी वो भी तैयार है, घोषणा बाकी है। 2-3 सीट पर जीत है जिस पर बात होगी और फिर आगे घोषणा होगी। बिल्कुल, जैसे घोषणा होगी उसके बाद मैं समझता हूँ बहुत जल्द इंडिया गठबंधन की बैठक होगी और बैठक आपको भी जानकारी दी जाएगी और उसके पश्चात हम लोग घोषणा कर देंगे कि कौन से सीट पर, मैंने हमारे अलाइज पार्टनर कितने कितने सीटों पर। झूठ हम बोलते हैं, झूठ के लिए तो वो कुख्यात हैं, रिनाउंड है पूरे देश में झूठ बोलने के लिए। 15 लाख खाता में डालेंगे, बुलेट चलन ट्रेन चला देंगे, तक स्मार्ट सिटी बना देंगे, बहुत ख्वाब दिखाया इन लोगों ने। हेमंत सोरेन की सरकार करके दिखलाती है, 1000 का मैया सम्मान हम लोगों ने दिया, उसे रुकवाने के लिए ये कोर्ट चले गए। अब हमने 2500 कर दिया है, आगे 1,36,000 करोड़ रुपया जो हम लेंगे केंद्र की सरकार से, हर हाल में लेंगे, लड़ के लेंगे, उसके बाद ये राशि और बढ़ाई जाएगी। TheFollowUp.in, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। www.thefollowup.in